आसमान से बरसी आफत से जहां यमुना नदी उफान पर है, तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए 2,95,000 क्यूसेक पानी ने निचले इलाकों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से पानी कई गांव तक पहुंच गया है और इतना ही नहीं, मैदानी इलाकों के साथ अब पानी ने रेलवे ट्रैक को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यमुनानगर उत्तर प्रदेश की सीमा पर शाहजहांपुर के पास अमृतसर सहारनपुर रेलवे ट्रैक इससे प्रभावित हुआ है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से रेलवे ट्रैक को नुकसान हुआ और ट्रैक कई फुट नीचे धस गया है। इसकी जानकारी है जी, अप लाइन में जो 4049 को पास कर दिया गया था, उसके 2-4 मिनट बाद ये रेल ट्रैक बाधित हुआ और डाउन में 1:40:18 आ रही थी, तो उसको मैंने सिग्नल रेड करके सावधानीपूर्वक रोक दिया। तो जैसे ये बाधित हुआ है, कारण ये पानी के कारण, जिसके नीचे से पानी निकला तो ट्रैक नीचे धसने लगे, ज़्यादा पानी भरा होने के कारण ट्रैक के नीचे से पानी निकला और ये नीचे मिट्टी बैठी। अभी गेट पे तो ये एक ही ट्रेन है 4048, इसके पीछे और भी गाड़ियां हैं जो बाधित हुई है। तो इसकी सूचना हमने आगे अपने अधिकारियों को और स्टेशन मास्टर को दे दी। अभी काम कर्मचारी लगे हुए हैं और सारे अधिकारी भी आए हुए हैं, कार्य जल्दी ठीक हो जाएगा। देखिए, ये काफ़ी समय से ये पानी बाढ़ का हर साल आते रहता है यहाँ पर गाँव में, लेकिन इससे भी ज़्यादा पानी आया, ये तो कभी कुछ भी पानी नहीं है। इससे हमेशा बहुत ऊपर तक पानी रहा, ये कभी भी धसा नहीं ट्रैक, कभी रेलवे सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा बाढ़ आ जाती तो थम जाती थी 1-2 घंटे के लिए, लेकिन ट्रैक कभी नहीं धसा। फिर 1978 में धसा था, वो आगे धसा था 1.5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ कभी ऐसा देखने में नहीं आया। इसका एक प्रमुख कारण रहा है धसने का, क्योंकि नई रेलवे लाइन यहाँ पर बनी हुई है, नया ट्रैक बना हुआ है, इसके नीचे को इन्होंने पाइप वगैरह निकाले हुए हैं, जिस वजह से वो खोखरा हो गया यहाँ से, तो ये पानी थोड़े से पानी को नहीं ही इसे कटाव कर दिया, ताकि ये ठेकेदारों की कमी है जिन्होंने ये पाइपलाइन बिछाई होगी या जिन्होंने भी ये काम किया होगा, जिन ठेकेदारों ने यहाँ काम किया होगा, ये उनकी गलती के कारण से ये आज गांव एक बाढ़ की चपेट में आने से